नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे मौसम के पूरे मजे ले रहे होंगे। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं योगा के बारे में। जब हम मोटरसाइकिल राइड करते हैं, जब हम लोग मोटरसाइकिल राइड करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि जब हम लंबा राइड करते हैं कई कई दिनों तक, रोज हम 200-300 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाते रहते हैं, तो हमारे शरीर पे उसका बहुत असर पड़ता है। हमारा शरीर बहुत थक जाता है, हमारी कमर, हमारे हाथ, हमारे शोल्डर्स, हमारी पूरी पीठ बहुत थकती है, क्योंकि हम दिन भर बैठे बैठे 200-300 किलोमीटर रोज इसी पोजीशन में बैठे रहते हैं। अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड जैसी गाड़ी है तो आपकी जो मोटरसाइकिल है उसमें काफ़ी वाइब्रेशन होता है, तो वो जो वाइब्रेशन, जब हम अपनी मोटरसाइकिल को यूँ पकड़े रहते हैं तो उसमें जो वाइब्रेशन है वो हमारे हाथों से हमारे शोल्डर्स, हमारी पीठ, हमारे पूरे शरीर तक पहुंचता है। और धीरे धीरे एक दिन, दो दिन, चार दिन के बाद हमारा जो शरीर है वो बुरी तरीके से थकना शुरू हो जाता है। जब एक बार हमारा शरीर थकना शुरू हो जाता है तो हमारा जो दिमाग है वो भी धीरे धीरे थकना शुरू हो जाता है। अक्सर ये परेशानियां देखी गई हैं कि जो बाइक राइडर्स हैं, जो लंबी लंबी राइड्स करते हैं, उनको धीरे धीरे बैक प्रॉब्लम, कमर में दर्द का एक प्रॉब्लम शुरू होने लगता है। इस तरीके की जो परेशानी है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, वो हम कैसे दूर कर सकें? राइड के दौरान आप जब मोटरसाइकिल को पहाड़ों पे या प्लेन्स में, तो आप अपने शरीर को किस तरीके से फ्रेश रख सकें, किस तरीके से उसको तरोताजा रख सकें, किसी प्रकार का दर्द हमारे शरीर के अंदर ना हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ छोटे छोटे से व्यायाम है और कुछ आसन है जिसको अगर हम अपने रेगुलर लाइफ में प्रैक्टिस करें तो भी हमें बेनिफिट होगा। और अगर हम इन प्रैक्टिस को, अगर हम इन आसन को जब हम बाइक ट्रिप कर रहे हैं उस दौरान भी अगर हम इनको करते हैं तो भी हमारे जो थका हुआ शरीर है या जो हमारा दर्द वाला शरीर है उसमें बहुत राहत मिलेगी। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको मेरे जो नए वीडियोज हैं, जो नए टॉपिक्स मैं कवर करता हूं, उनके बारे में आपको अपडेट मिलती रहेगी। चलिए तो जानते हैं कि कौन से है वो सूक्ष्म व्यायाम, कौन से है वो छोटे वार्म अप एक्सरसाइजेस और कुछ आसान से आसन जिनको हम अपने जीवन में करें तो हमें बाइक राइड जैसी या मोटरसाइकिल राइड जो करते हैं लगातार, उसमें हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो सबसे पहले हम खड़े होकर कुछ आसन करेंगे। पहला आसन है हमारा ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने दोनों पैरों को साथ में जोड़ना है, हमारे पैरों में कोई गैप ना रहे। अपने दोनों हाथों को साइड से पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक कर ले, पाम्स फेसिंग अपवर्ड्स, ऊपर की ओर हमारी हथेलियां, पूरा स्ट्रेच दें, हमारी बाइसेप्स हमारे कान के पीछे पूरा स्ट्रेच देंगे ऊपर की तरफ, और धीरे धीरे इनहेल करते हुए पूरा अपने टोज पर आ जाएं ऊपर की ओर, अपने आप को पूरा पुश करें जैसे कि हम लटके हुए हैं किसी चीज से, और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे। धीरे धीरे हम इसी को 8-10 बार तक आराम से अपने पूरे टोज पर आएंगे ऊपर की ओर, अपने आप को पुश करें और फिर नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। तो ये हमारे पूरे शरीर की मांसपेशियां, जो हमारे पूरे शरीर की जो मसल्स हैं, हमारे टो से लेके हमारे फिंगर्स तक, ऊपर तक पूरा हमारा पूरा शरीर स्ट्रेच होता है, या अपने सुविधा अनुसार जितना देर हम चाहें उतनी देर इसको हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी 4-5 मिनट तक हम इस एक्सरसाइज को करें, बाद में ऊपर अपने टोज पर आ जाएं और ऊपर की तरफ पूरा पुश करके थोड़ी देर होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में और फिर नीचे। तो ये था ताड़ासन। इसके बाद हम दूसरा कर सकते हैं त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन के लिए थोड़ा सा अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखेंगे, हाथों को ऊपर, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे अपने, इनहेल, और अपने एक साइड में हम अपने बेंड करेंगे, एक्सहेल करते हुए इस पोजीशन में आएंगे, होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में 10-12 काउंट तक, होल्ड करेंगे इस पोजीशन में और फिर वापस ऊपर, इनहेल करते हुए, और फिर दूसरी तरफ हम एक्सहेल करते हुए नीचे आए, हाथ हमारे सीधे रहेंगे कान के ऊपर, और जितना अपने आप को बेंड कर सके कमर से उतना बेंड करेंगे। ध्यान रहे कि अपने कमर को ऐसे ना करें, सीधे रहेंगे अपने पैरों पर और सिर्फ अपनी अपर बॉडी को झुकने देंगे वापस सीधा। इसको भी हम 2-4 बार तक हर दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं और फिर वापस, इनहेल करते हुए सेंटर में, एक्सहेल करते हुए हम अपने साइड्स में। लगभग 10 बार हम दोनों डायरेक्शंस में नीचे जा सकते हैं।
या एक डायरेक्शन में हम नीचे जा करके अपने आप को होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने शरीर को अपने साइड से पूरा स्ट्रेच करते हैं। इसके बाद हम तीसरा आसन कर सकते हैं, कटिक चक्रासन, क्योंकि बैठे बैठे हमारी कमर, हमारा पीठ, हमारा शरीर ऊपर का पूरा जकड़ जाता है बाइक पे। तो हम अपने पैरों को थोड़ा सा और गैप देंगे, अपने शोल्डर इतना गैप, हाथों को सामने ले आए, इनहेल और एक्सहेल करते हुए अपने राइट साइड ट्विस्ट करें, कम इन सेंटर, इनहेल करते हुए और फिर एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ फिर से सेंटर में। इसको भी हम 20 से 25 बार तक इस तरीके से कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपकी हील्स ना उठें, जब आप घूम रहे हैं तो आपकी हील्स जमीन पर ही रहेंगी और आपने हाथों में एक फुटबॉल पकड़ा हुआ है जिससे कि आपके हाथ एक दूसरे से दूर ना जाए और वो बॉल को हम गिरने नहीं देंगे। इस प्रकार हम कटिक चक्रासन करेंगे, हमारे पूरा शरीर, हमारी कमर, हमारी पीठ, हमारे शोल्डर्स, इन सारी चीजों के लिए पूरे हमारी मसल्स रिलीव होती हैं। खड़े होकर कुछ आसन करने के बाद हम बैठ जाएंगे और बैठने के बाद हम कुछ सरल आसन करेंगे जिसमें कि हम अपने हाथों को पूरा स्ट्रेच कर ले सामने की ओर, जिसमें हम मुष्टिका बंधन अपने हाथों को मुट्ठियों में बनाना है, जिसमें हम अपने अंगूठे को अंदर, उंगलियों को ऊपर कस के बंद करेंगे, कस के खोलेंगे। हम दिन भर अपने हैंडल को, अपनी ग्रिप को पकड़े रहते हैं जिसकी वजह से हमारे हाथों में, कलाइयों में काफी स्टिफनेस आ जाती है। तो जब हम अपने हाथों को पूरा स्ट्रेच करेंगे ताकत लगा करके, और ताकत लगा करके बंद करेंगे, पूरा हाथ हमारा सामने की ओर स्ट्रेच, 10 से 15 बार तक हम इसको इस तरीके से अपनी मुट्ठियों को, अपने पाम्स को बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, फिर खोलेंगे। इससे हमारे हाथ की सारी मसल्स को रिलैक्स, अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेंगे, अंगूठा अंदर, रिस्ट का रोटेशन करेंगे गोल गोल। तो 10 से 15 बार तक एक डायरेक्शन में अपनी मुट्ठियों को पूरा गोल गोल घुमाएं और इसी प्रकार हम दूसरी डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन से अपने कलाइयों को घुमाएंगे। इससे हमारे हाथ की जितने भी मसल्स हैं, हमारे शोल्डर से लेके हमारे पाम्स तक, वो सारे मसल्स रिलैक्स होती हैं। इसके बाद हम अपने हाथों को खोल लेंगे, अपने हाथों को पूरा नीचे लटकाएं, पूरा ऊपर नीचे 10 से 15 बार तक हम अपने कलाइयों को इस तरीके से ऊपर नीचे। तो अभी जो तीन एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई, मुष्टिका बंधन, मणिबंध चक्र और मणिबंध नमन, तो ये तीन एक्सरसाइजेस अगर हम रेगुलर करते हैं तो हमारी जो कलाइयां हैं, हमारे जो आर्म्स हैं, इनमें उतना दर्द नहीं आएगा और अगर कोई दर्द आता है तो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे अपने पैरों के लिए, क्योंकि हम दिन भर अपने बाइक पे बैठते हैं, हमारे हिप से लेकर के और नीचे हमारे पैरों तक एक ही पोजीशन में कई कई घंटों तक उस बैठने से हमारे पैर, हमारी कमर, हमारे हिप्स स्टिफ हो जाते हैं, जो हमारे वहां के मसल्स हैं वो सारे स्टिफ हो जाते हैं। इन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, इन मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने दोनों पैरों को सामने की ओर स्ट्रेच कर लें बिल्कुल सीधा, आपकी कमर, पीठ, गर्दन सारी सीधी एक लाइन में। इसके बाद हम अपने पैरों को, टोस को सिर्फ फोल्ड करेंगे और रिलीज, अपने पैरों की उंगलियों को सिर्फ फोल्ड करना है और रिलीज। 10 से 15 बार तक हम इसको पूरा ध्यान देते हुए कस के मोड़ेंगे, पूरा स्ट्रेच करें ऊपर की ओर, फिर कस के बंद करेंगे, कस के मोड़ेंगे ऊपर की ओर। इस प्रकार हम अपने पैरों को, अपनी उंगलियों से पूरा मसल्स को रिलैक्स। इसके बाद हम अपने एंकल से अपने पैर को पूरा गोल गोल घुमाएं एक डायरेक्शन से 10 से 15 बार तक, और इसी प्रकार दूसरी डायरेक्शन से भी हम इसको 10 से 15 बार तक करेंगे। इससे हमारे पैर की जितनी नर्व्स हैं वो पूरी स्ट्रेच होती हैं, जितने मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं और हमारी थकी हुई मसल्स को, हमारे थके हुए नर्व सिस्टम को पूरा रिलैक्स मिलता है। अपने हिप्स के लिए हम अपने पैर को फोल्ड करेंगे अर्ध तितली आसन। तो अपने पैर को फोल्ड करके अपने लेफ्ट लेग के ऊपर, राइट लेग हमारा फोल्डेड है, इसको हम नीचे की ओर पुश करेंगे ताकि हमारा घुटना हमारे मैट से टच हो जाए। इसको हम नीचे की ओर पुश करके थोड़ी देर होल्ड करें और फिर इसको पूरा उठाते हुए अपने पेट से, सीने से चिपकाते हुए पूरा ऊपर, अपनी पीठ को सीधा रखना है और सामने की ओर। ध्यान रहे कि हमारे हिप मसल्स
पूरे तरीके से रिलैक्स हो, पूरे तरीके से फ्री हो, कोई दबाव ना हो उन पे। थोड़ी देर इसी प्रकार होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स। राइट लेग से करने के बाद सेम चीज हम लेफ्ट लेग से अपने लेफ्ट लेग को उठा करके राइट लेग पे जहां से शुरू होता है वहां तक रखना है। अपने घुटने को नीचे की ओर दबाएं अर्ध तितली आसन में, थोड़ी देर होल्ड करेंगे नीचे की ओर दबा करके और फिर ऊपर की ओर अपने पैर को पूरा उठाएं ऊपर, अपने पेट से सीने से चिपकाएंगे। ध्यान रहे कि हमारे हिप मसल्स पूरी तरीके से फ्री, पूरी तरीके से स्ट्रेच। ऊपर की ओर खींचेंगे अपने पैर को और फिर रिलैक्स। तो ये था अर्ध तितली आसन। इसके बाद हम आ जाएंगे पूर्ण तितली आसन में, जिसमें हम अपने दोनों पैरों को इस प्रकार फोल्ड करके अपनी पेरिनिया के नजदीक रखना है। पीठ को, कमर को, गर्दन को सीधा, अपने पैरों को धीरे धीरे चलाना शुरू करेंगे और अपने पेल्विक रीजन पर, अपने इनर थाइस पर ध्यान देंगे। धीरे धीरे हमारी मसल्स रिलीज होती हैं, धीरे धीरे हमारी मसल्स और रिलैक्स। कोशिश करें कि आपके थाइस ऊपर एल्बो से टच हो और नीचे हमारी थाइस मैट को हिट करें। हमारी गर्दन, जब हम बाइक राइड करते हैं तो जितनी भी एयर का प्रेशर है, जितना भी एयर का विंड का स्पीड है, वो हमारे बॉडी पे लगता है और हमारी गर्दन बहुत हिलती डुलती है। हमें अपनी गर्दन को बहुत स्टिफ रखना होता है। एक ही डायरेक्शन में हम देखते रहते हैं बहुत समय तक, हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है, तो हमारी जो गर्दन है ये बहुत अकड़ जाती है, बहुत स्टिफ हो जाती है। तो अपनी गर्दन के मूवमेंट के लिए, ताकि हमारी गर्दन में कोई दर्द ना रहे, हमारी गर्दन फ्री रहे, कोई मसल्स इसमें झटका ना लग जाए, गर्दन की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए ग्रीव संचालन करेंगे। तो ग्रीवा यानी हमारी गर्दन, उसका संचालन, तो सबसे पहले हम अपनी गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे, हमारी पीठ और कमर सीधी रहेगी, सिर्फ अपनी गर्दन को नीचे आने देंगे, अपने चिन को अपने कॉलर बोन से टच करना है। होल्ड करेंगे यहीं पर थोड़ी देर। आपका जो थ्रोट है वो अंदर की ओर पूरा दबा हुआ, दस से 15 सेकंड तक इसी प्रकार होल्ड करेंगे। अपनी गर्दन को वापस सेंटर में लाएं और फिर पीछे की ओर ले जाएंगे, अपनी गर्दन को पूरा पीछे लटका दें। अभी आपका पूरा थ्रोट स्ट्रेच, पूरा थ्रोट स्ट्रेच, पीछे की ओर देखें, आंखें आपकी खुली हुई। 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करने के बाद वापस सेंटर में, फिर अपनी गर्दन को अपने राइट साइड पीछे की ओर ले जाएं। अपनी आई से, अपनी आंखों से जितना हम अपने पीछे देख सकते हैं उतना मैक्सिमम पीछे देखें। होल्ड करेंगे यहां पर भी 10 से 15 सेकंड तक, फिर वापस सेंटर में लाते हुए लेफ्ट साइड लेके जाएंगे अपनी गर्दन को और सेम अपने लेफ्ट आई से जितना पीछे देख सकते हैं उतना पीछे देखें और फिर वापस सेंटर में। इसके बाद हम अपनी गर्दन का पूरा 360 डिग्री रोटेशन, तो पहले हम एक डायरेक्शन से जाएंगे और फिर हम उसके बाद दूसरी डायरेक्शन से। तो एक डायरेक्शन में भी हम 10 से 15 राउंड तक गोल गोल घुमाएंगे और दूसरी डायरेक्शन में भी हम 10 से 15 बार तक इसको आराम से करें। तो अपनी गर्दन को पूरा नीचे जाने दें, अपने चिन को कॉलर बोन से टच करें, धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे। कोशिश करें कि आपके जो कान हैं, आपके जो ईयर लोब्स हैं, वो आपके शोल्डर से टच हो, धीरे धीरे आराम से। एक डायरेक्शन से जाएंगे 10 से 15 बार तक और फिर अपोजिट डायरेक्शन, उल्टी दिशा से हम अपनी गर्दन को घुमाएं। ध्यान रखें जब आपकी गर्दन आगे, एक्सहेल, जब आपकी गर्दन पीछे, इनहेल। तो अगर हम 8 से 10 बार तक, और ये सारे जो आसन हमने बताए, जो ये जो सारे छोटे छोटे जो सूक्ष्म व्यायाम हैं, जो छोटे छोटे एक्सरसाइजेस हैं, ये अगर आप करते हैं तो आपके गर्दन में, आपके शोल्डर्स में कोई भी झटका, कोई भी दर्द, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। इसके बाद हमारी पीठ और हमारी कमर, ये सबसे अहम हिस्सा होता है
हमारे मोटरसाइकिल राइड पे। अक्सर जब हम मोटरसाइकिल राइड खत्म करते हैं तो या तो हमारे शरीर में दर्द होता है, पूरे शरीर में ही दर्द होता है, या खासकर हमारी कमर बहुत अकड़ जाती है। तो इसके लिए हम दो आसन बताएंगे, शशांक आसन पहला और दूसरा है भुजंग आसन। तो ये दो आसन अगर हम करते हैं तो हमारा जो कमर है, हमारी जो पीठ है, वो स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगी। शशांक आसन के लिए हम अपने मैट पर अपने घुटनों पर आते हुए अपने हील्स पर बैठेंगे पीछे की ओर। इस प्रकार हम अपने पैरों पर फोल्ड करके अपने हील्स पर बैठें, अपने हाथों को साइड से पूरा ऊपर की ओर उठाते हुए स्ट्रेच देंगे, अपनी कमर से अपने हाथों तक ऊपर पूरा स्ट्रेच। इनहेल और फिर एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आएंगे, पूरा अपने हाथों को आगे रखते हुए पूरा स्ट्रेच। धीरे धीरे अपने चिन को नीचे ले जाएं और होल्ड करेंगे, अपने चिन को मैट पर लगाएं, अपने हिप्स को पीछे रखें, अपने हील्स पर और अपनी फिंगर्स को आगे की ओर बढ़ाते रहें। पूरा स्ट्रेच हमारी कमर से हमारी फिंगर्स तक, 10 से 15 काउंट तक होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में, और फिर यहीं से उठते हुए आगे की ओर आएंगे भुजंग आसन। अपने पेट को नीचे तक ले जाने दें, अपने शोल्डर्स को ऊपर, गर्दन ऊपर और पीछे की ओर देखें। इसमें हमारे पेट से पूरा स्ट्रेच आगे तक, हमारी कमर अंदर दबी हुई और पीछे की ओर देखेंगे। 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करें, फिर वापस शशांक आसन में आते हुए होल्ड करेंगे इसमें, और फिर वापस वज्रासन। तो इसको भी हम 2 से 3 बार तक 10 से 15 काउंट तक होल्ड करेंगे हर एक पोजीशन में। शशांक आसन में जब हम जाएं तो अपने हाथों को थोड़ा वाइड रखना है ताकि हमारी अपर बॉडी पूरी निकलते हुए हाथों के बीच से पूरा लेट जाए पहले नीचे, और फिर अपनी अपर बॉडी को ऊपर की ओर उठाएंगे। शोल्डर्स डाउन, नेक अप, ऊपर और पीछे की ओर देखें, पूरा स्ट्रेच हमारे पेट से हमारी गर्दन तक और हमारी कमर अंदर की ओर दबी हुई। वापस शशांक आसन और वापस वज्रासन। तो अभी जो मैंने आपको कुछ 8-10 आसन बताए, अगर ये 8-10 आसन आप रोज सवेरे आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक इन आसनों को करते हैं तो आपके शरीर के अंदर, खास करके हमारे हाथों में, कलाइयों में, कंधों में, गर्दन में, कमर में, पीठ में कोई भी दर्द नहीं रहेगा। हमारे पैरों के भी जो मसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, वो पूरी स्ट्रेच और रिलैक्स रहेंगी। तो आपको कोई भी, आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, अगर आप बाइक राइड करते हैं या अगर आप कोई लॉन्ग ड्राइव पर कार लेके जाते हैं, तो भी आपके शरीर में, आपके कमर में कोई तकलीफ नहीं आएगी। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।